और वह प्रश्न था कि मानसी अवक्ष क्या है और इनके कितने भेद हैं, कौन कौन से। तो बोले जो है अवक्ष जिस जो खाने योग्य वस्तु नहीं है या जो मर्यादा से बाहर है या जो और भी अनेक प्रकार जिसकी उत्पत्ति आदि अशुद्ध है, ऐसी वह सभी वस्तु अवक्ष व्याती है। जिनवाणी में मुख्य रूप से 22 प्रकार के अवक्षों का जो है वर्णन है। उन 22 प्रकार के अवक्षों को हमें जानना है, जानना चाहिए। बोले ओला, ओला जो होता है जो ऊपर से गिरता है, ओला पानी का गोला, वह अवक्ष है। श्रावक जन उसको खा नहीं सकते। वो बात अलग है, बच्चे लोग हैं कुछ भी है गिरता खा लेते हैं, तो बाकी उसको खाना नहीं चाहिए, अवक्ष है। या उसे खेलते हैं, खाते कम है खेलते ज्यादा, तो वह अवक्ष है। दूसरा द्विदल, द्विदल जहाँ पर जो है दही आदि के साथ जो जिसके दो पीस हो सकते हैं, दो दल होते हैं, दो भाग हो जाते हैं, ऐसे अनाज आदि का उसमें सेवन नहीं करना, वह द्विदल होता है। दही के साथ बेसन है, दाल आदि है, उनको नहीं खाना, ये द्विदल है। तो इसमें जो है अनेक अनेक मुख में जाने से उसकी लार बनती है और लार से असंख्या संपूर्ण सजीव उत्पन्न हो जाते हैं और उनकी मृत्यु बोले जैसे कहते हैं ना दही वल्ला, हमारे दही वल्ला जो है ग्रस्त लोग खाते हैं, लेकिन जो है जो ग्रस्त लोग श्रावक जने हैं, जो दयालु हैं, ज्ञानी हैं, ऐसे व्यक्ति जो है वह दही वल्ला है या बूंदी का रायता है आदि इन वस्तुओं को वह, या मटर पनीर है, ऐसी उन वस्तुओं को सेवन नहीं करते हैं। रात्रि भोजन, रात्रि भोजन तो सूर्य अस्त के बाद जो है भोजन नहीं करना चाहिए। अंत व्यक्ति 12 बजे तक भोजन कर रहा है, क्या कर रहा है 12 बजे, अब क्या होगा उस भोजन में।